वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 2019 की झलक आपको देखने को मिलेगी। हम इस शास्त्री ओवर ब्रिज से कुंभ की एक झलक आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग भारी मात्रा में आ जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये देख रहे हैं, ये शास्त्री ब्रिज है जहाँ पे। और सर आपको कैसा लग रहा है? मस्त। ओके सर, आइए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कितनी बड़ी मात्रा में लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस की भी सुविधा दी गई है श्रद्धालुओं के लिए। एक बड़ी मात्रा में भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वीडियो में आपको इस समय शंकर विमान मंडपम का दृश्य दिखाई दे रहा है, बाकी भीड़ तो आप देख ही रहे होंगे। एकदम जन सैलाब उमड़ा हुआ है दोस्तों। आते हैं इसी के साथ, तो हम यहाँ पे अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम अपने मिलने वाले लोगों से पूछेंगे। देख रहे हैं रोड पे गाड़ियों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, वही गाड़ियाँ चल रही हैं जो प्राइवेट हैं। तो यहाँ पे एक लोग जा रहे हैं भाई साहब, जिनसे हम पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। सर आप यहाँ पे स्नान करने आए हैं? नहीं, स्नान करने नहीं है लेकिन दर्शन करने आए। तो सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? यहाँ भी एकदम बहुत भयंकर नज़ारा है। यहाँ पे देखने भीड़ देखिए आप, यहाँ पे कितनी प्रशासन की ओर से कितनी तगड़ी व्यवस्था की गई है। देखिए शौचालय की व्यवस्था नीचे देखिए आप। हाँ सर, यहाँ पे शौचालय की भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो सर आप अकेले ही आए हैं या और साथ में? मित्रों के साथ हैं हम। अच्छा 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 सर। और घूमने का इरादा है और गंगा का दर्शन किया जाएगा। अच्छा अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पे भीड़ देखिए और कितना दूर तक देखिए नज़ारा देखते हुए। सर कैमरा नहीं ले पा रहा है इतना दूर तक। सर यहाँ नज़ारा दिखाई दे रहा है, कैमरे में पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा, इतना बड़ा दृश्य है। पूरे गाजे बाजे के साथ लोग आए हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में भीड़ है। आपको पता होगा कुंभ का पर्व किस लिए मनाया जाता है। हमारे समुद्र मंथन में जो अमृत निकला हुआ था उसमें जो है एक कौवे ने जो है अमृत को लेकर के वो मतलब वहाँ से उड़ गया था। उसके बाद उसने एक बूंद जो है यहाँ पे हमारे प्रयाग की पावन धरती पे गिराया, जिसके कारण यहाँ पे जो है ये कुंभ मनाया जाता है। बाकी उसने चार जगह और गिराया था, वो तो आपको पता होगा, जिसमें हमारा नासिक, हरिद्वार और जो है उज्जैन है। तो एक अच्छा पर्व है, एक अच्छा मेला यहाँ पे आप देख सकते हैं। का एक अद्भुत नज़ारा इस ब्रिज से आप देख सकते हैं, पांटून पोल और गंगा की अविरल धारा, और लोग इतना भारी भारी बोझ लेकर के संगम में आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे हैं। देख सकते हैं मित्रों यहाँ पे लोगों को घूमने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई, जो कि आपको आसमान में दिखाई दे रहा होगा आता हुआ। पर है 2500 रुपये चार्ज है, जो कि आप दे करके इसके द्वारा जो है घूम सकते हैं पूरे मेला क्षेत्र में। मित्रों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ब्रिज जो है अब लगभग ख़त्म हो चुका है, और ब्रिज के बाद ये मेला भी लगभग यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों इसका, जिधर से हम चले थे वो छोर दिखाई ही नहीं दे रहा है। भीड़ तो इतनी है कि विशाल भीड़ है यहाँ पे। एक दोस्तों हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मैं आपका दोस्त राहुल चौरसिया।